क्या नाम है बेटा आपका? टीचा। पढ़ने जाती हो? आज गई थी? हाँ। क्यों भागा है स्कूल से? मैं कहा चलो तो सुबह गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में सफाई कर्मी की नियुक्ति की ताकि ग्रामीण क्षेत्र में गंदगी से होने वाली बीमारियों से लोगों को निजात मिल सके। परंतु बड़े अफसोस की बात है कि ललितपुर जनपद के वृद्धा ब्लॉक ग्राम पंचायत छिल्ला में पिछले 6 माह से सफाई कर्मी के ना आने से राम कुमार सहित 2500 लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमें जी समस्या है कि मतलब सफाई कर्मी नहीं आ रहा, गंदगी मची है। गंदगी के कारण जो बच्चे लोग बीमार हैं, जे पड़े हैं और हर मतलब वहाँ से निकलते हैं तो गंदगी मची, तो दिन भर बच्चे खेलते हैं तो वहाँ भी गंदगी है, तो उनके कारण बच्चे बीमार हैं। बीमार के कारण अब पैसा है नहीं है, बताओ कहाँ इलाज करवाएं, बहुत अच्छा, परेशानी है। कब से नहीं आ रहा सफाई कर्मी? 8 महीना हो गए, उसकी तो शक्ल भी नहीं देखी। क्या समस्या आपको? नाली पूछी था ये सो नाली से गंदगी फैल रही। गंदगी फैल रही है तो क्या परेशानी हो रही है? जो है कि मलेरिया आ रहा, बुखार आ रहा, टाइफाइड आ रही। टाइफाइड किसको हुआ है? हमें खुद भाई थी, गांव के बड़ी मरण हो गई। तो गांव में सफाई कर्मी आता है? नहीं। आप कब से नहीं आया है? 6 माह से। किसी से आपने कहा, कोई प्रयास किया सफाई कर्मी को बुलाने के लिए? प्रधान से किया था। कब कहा था? प्रधान होगा है 2 महीना से, जब से उन्होंने कही थी प्रधान जी से, कहे प्रधान जी हमारी सफाई कर दो, उसका भी बोले कि कछु नहीं हूँ, वहाँ कहीं के लाए कि अब हो जाएगी तुम्हारी। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि ग्राम छिल्ला में सफाई कर्मी रोज आए, इसके लिए वृद्धा ब्लॉक के वीडियो के मोबाइल नंबर पर कॉल करके दबाव बनाएं, जिनका मोबाइल नंबर है 94-53-62-23-90। मैं शंकरलाल और ये मेरा समुदाय है।